विधानसभा के बजट सत्र का 11वें दिन की शुरुआत में ही हंगामा हो गया। सदन शुरू होने से पहले विपक्ष ने किसानों की खराब फसलों को लेकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी खराब फसलों को लेकर गांधी प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए हैं और सर्वे का काम नहीं हो रहा है इसलिए सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ओलावृष्टि के चलते खराब हुई फसलों को लेकर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये बहुत बड़े चिंता का विषय है। लगातार मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और कल जो दृश्य सामने आया है, विशेषकर खरगोन में, डिंडोरी में, जहाँ जो फोटो सामने आ रही है, दिख रहा है कि लगभग बर्फ जमी हुई है पूरी सड़कों पर और पूरे खेतों पर। तो एक प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में, सिर्फ खरगोन डिंडोरी में ही नहीं, लेकिन अगर हम देखें तो गुना जिले में, अशोकनगर में, मुगावली में ओलावृष्टि हुई है। लगभग मध्य प्रदेश में हर जगह लगातार अतिवृष्टि से, ओलावृष्टि से किसान की फसल चौपट हो चुकी है। चाहे सरसों की हो, धनिया की, वहाँ तो 100% नुकसान है। कई जगह ओले के गिरने से जो फसल गेहूं की है वो भी लगभग चौपट हो चुकी है। सदन में आज कांग्रेस के तमाम नेता ओलावृष्टि को लेकर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। सदन में आज कई बड़े कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर असमय बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को चौपट कर दिया। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन पहले भी करा था, जब इन्होंने कहा था कि हमने सर्वे के आदेश कर दिए, पर आज तक फील्ड पे जाओ ना तो सर्वे हुए ना सर्वे के कोई आदेश हुए। और जब फील्ड पे हम जाते हैं तो किसान जिस तरह का प्रताड़ित है, किसान का दर्द में लेके आया हूँ कि मुख्यमंत्री जी फिर वापस अतिवर्षी वर्षा हो गई, कटे हुए खेतों में फसल पड़ी थी, किसान की फसलों का नुकसान हो गया। क्या हम दो दिन बैठ के सिर्फ किसानों पर चर्चा नहीं कर सकते? क्या हम दो दिन बैठ के किसानों की एक्चुअल कीमत नहीं निकाल सकते? हम सारे यहाँ पे किसानों के जीत के आते हैं, स्पष्ट है, किसान के दर्द को समझे, 40,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा दे। देखिए, सभी किसानों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पर्याप्त राहत मिलेगी। राहत राशि भी हमारी सरकार ने पूर्व में बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के समय तो 35 रुपए मिलते थे, अब हमारी सरकार ने राहत राशि कई गुना बढ़ाने का काम किया है। फसल बीमा योजना का पैसा देने का भी काम हम लोग कर रहे हैं और एक भी किसान नहीं छूटेगा, सभी किसानों को राहत राशि दी जाएगी। आरोप लगा दी सर। अब कांग्रेस तो सिर्फ आरोप लगाती, उन्होंने कितना दिया? उनके समय भी ओलावृष्टि हुई थी, एक पैसा किसानों को नहीं दिया, हम तो पैसा दे रहे हैं। कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी देश में किसानों के लिए सबसे बेहतर कार्य करने वाली सरकार चला रहे हैं, और आप सभी को मालूम है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चलता है कि कहीं ओलावृष्टि हुई है, सूखा पड़ा है, बाढ़ से नुकसान हुआ है, या किसी भी स्वरूप में अगर किसान भाइयों का नुकसान होता है, तो सबसे पहले एक्शन लेने वाले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कृषकों की भूमि पर, उनकी खड़ी फसल पर जो भी नुकसान हुआ होगा उसका उचित राशि मुआवजा माननीय मुख्यमंत्री अवश्य देंगे। कांग्रेस कह रही है 10 दिन से अधिक हो चुके हैं लेकिन मुआवजा नहीं मिला है, जायदाद भी नहीं दिया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस का आरोप लगाने का काम है, सर्वे रिपोर्ट आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एक्शन लेते हुए और संबंधित समस्त अधिकारियों को, जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि खेत खेत तक जाएं, ऐसा ऊपरी बैठ के सरसरी योजना ना बना के भेज दें, एक एक खेत चेक करें, जिसका जितना नुकसान हुआ उसके संपूर्ण नुकसान जितना हो सकता है, उसके जितना अधिक से अधिक राशि हो सकती है वो माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे।